हेलो स्टूडेंट, मैं सुमन भगौर आपका नव भारती परिवार में स्वागत करती हूँ। आज मैं 12th क्लास की बायोलॉजी को पढ़ाऊंगी। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब बात आती है कि हम सबसे पहले ये जो टॉपिक है हमारा, हम इसे समझें कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या हैं। अगर हम जब तक ये ही हमें नहीं पता होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्या मतलब है, तो हम इस टॉपिक को कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री, मतलब होता है रिपीटेडली, यानी कि बार बार, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस यानी कि बार बार कंटिन्यूसली कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है लिविंग बींग्स का, यंग वंस का। तो लिविंग बींग्स के द्वारा जब उनके यंग वंस का रिपीटेडली प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूसिंग होती है उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई लिविंग बींग्स के द्वारा उनके ऑफस्प्रिंग्स को अगर प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनके सीड्स के अंदर, फ्रूट के सीड्स के अंदर सीड कोड पाया जाता है, और जिम्नोस्पर्म नेकेड होते हैं। तो जिनके अंदर सीड कोड होता है वो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्मिक। अब हम पढ़ रहे हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन 2 तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि यंग वंस का प्रोडक्शन होना पर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स यानी कि युग्मक। युग्मक जो होते हैं वो मेल और फीमेल, मेल के अंदर अलग गैमेट होता है, फीमेल के अंदर उसका अपना स्पेशल गैमेट होता है। तो जो गैमेट्स होते हैं, जब मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब ये फ्यूजन नहीं हो पाता है मेल और फीमेल गैमेट का, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बोलोगे मैडम जब फ्यूजन ही नहीं हो रहा है तो रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम नेचुरली देखते हैं कि किसी पोटैटो के अंदर उसके बर्ड्स निकले, उसके बर्ड्स, उसकी आईज, उसकी जो आई होती है, जैसे ये पोटैटो निकला उसकी ये आई है, उसको हम अलग काट के यहाँ पे अगर उसको सॉइल में जाके उसको जर्मिनेट करवाएंगे तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मैनमेड या नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। तो हम आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब डिटेल में करेंगे। अब मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो आपको बता दिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एक्चुअली होता क्या है, यानी प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी दो टाइप होते हैं, एगोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एगोस्पर्मी वो जिसमें कि गैमेट्स का फ्यूजन हुए बिना किसी प्लांट के सीड का फॉर्मेशन हो जाना एगोस्पर्मी होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन जिसमें दो टाइप होते हैं इसके, एक होता है नेचुरल टाइप, एक होता है आर्टिफिशियल. यानी कि नेचुरल मतलब कि जो नेचर नेचुरल अपने आप स्वतः जो प्रोडक्शन होता है किसी भी लिविंग बींग्स का प्लांट्स के अंदर, वो नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है. आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वो जो मैन मेड के थ्रू, यानी कि हम मैन मेड के थ्रू जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स की हेल्प से हम जो प्रोडक्शन करते हैं न्यू प्लांट्स का, उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल. अगर हम नेचुरल में बात करें, नेचुरल में आ जाता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई स्टेम. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई रूट एंड लास्ट वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई लीव्स. यानी कि नेचुरल के अंदर भी थ्री टाइप्स होते हैं, नेचुरल के अंदर भी थ्री टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स. अब बात आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम में जैसा कि हमें पता है कि मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं. अब ये मॉडिफाइड स्टेम्स होती क्या हैं, जैसे कि राइजोम, राइजोम में आ जाती है हमारी जिंजर, बल्ब यानी कि पोटैटो, गार्लिक, रनर, ग्रास. अब इसके थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि पोटैटो, पोटैटो के अंदर क्या होता है हमारा एक पोटैटो के अंदर हमारा होता है ये आई, आई को जब हम जर्मिनेट करते हैं अलग से तो वो एक न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है. और अगर हम रनर की बात करें तो ग्रास के अंदर भी उसके बर्ड्स होते हैं, उनके बर्ड्स को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर ग्रो करेंगे तो वो एक नया प्लांट बनेगा. ऐसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट होता है. रूट के अंदर क्या होता है कि रूट को जब हम सॉइल के अंदर रूट्स के जो कुछ पार्ट्स जब बाहर सॉइल से ऊपर आते हैं तो उसको काट के अगर हम डिफरेंट प्लांट में या फिर डिफरेंट तरीके से ग्रो करेंगे तो वो एक नया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट होगा. तीसरा हो जाता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स. अब लीव्स के अंदर जैसा कि हम जानते हैं, सबको पता है का एक बहुत साधारण सा एक एग्जाम्पल है, वो है ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम लीफ, ब्रायोफिलम लीफ के अंदर क्या होता है, ब्रायोफिलम लीफ जो होती है वो इस तरीके की एक लीफ होती है जिसकी एजिस पे उसके बर्ड्स होते हैं, उसके उसका बर्ड जो होता है वो गिर जाता है और एक न्यू प्लांट में ग्रो करने लगता है. तो ये हुए तीनों टाइप किसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि नेचुरल वे में होता है. जो नेचुरल वे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें तीन तरह के टाइप होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, बाय रूट एंड बाय लीव्स.
इसके बाद आ जाती है, इसके बाद बात आती है हमारे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैन मेड तरीके से होती है। मैन मेड में जो तरीका हम खुद प्रोसेस बनाएं और उनको न्यू प्लांट जर्मिनेट करने में मदद करें। तो आर्टिफिशियल में जैसे कि कटिंग हुई, लेयरिंग हुई, उसके बाद हमारा कटिंग में भी तीन तरीके के हो जाते हैं, कटिंग ऑफ स्टेम, कटिंग ऑफ लीफ, कटिंग ऑफ स्टेम। उसके बाद लेयरिंग में भी तीन तरीके की हो जाती है, दो तरीके की हो जाती है, एक हो जाती है हमारी माउंड लेयरिंग, एक हो जाती है हमारी एयर लेयरिंग, और तीसरा हो जाता है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तो जैसा हमें पता ही है, किसी भी पेड़ की किसी ब्रांच को जब हम एक टेक्निक से काट के और दूसरे ही प्लांट पे उसके सायन को और स्टॉक को जोड़ देते हैं, उसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग के भी दो तीन तरीके के हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाई मैनमेड टेक्निक्स, यानी कि प्लांट्स का प्रोडक्शन होना मैनमेड टेक्निक्स के हेल्प से। अब मैनमेड टेक्निक्स क्या हो सकती हैं कि या तो हम प्लांट को कट कर दें, या ग्राफ्ट कर दें, या फिर लेयरिंग कर दें। तो हमारा ये तीसरा जो है वो है ग्राफ्टिंग। कटिंग में जो आता है हमारा, कटिंग तीनों पार्ट्स की हो सकती है, लीव्स के, स्टेम की, रूट की, लीफ की। अब कटिंग से जैसे स्टेम पे कोई छोटा सा बर्ड्स निकल रहे हो, न्यू जर्मिनेटिंग बर्ड हो, वहाँ से उसको स्टेम को काटो, न्यू सॉइल में लगा दो, उसको हम जर्मिनेट होता हुआ देखेंगे, वो हो जाती है हमारी स्टेम कटिंग। रोज़ हुआ, जैस्मिन हुआ, ये सब हमारे स्टेम कटिंग के अंदर आते हैं। रूट कटिंग, सेम रूट के जर्मिनेटिंग पार्ट पे से रूट को कट करके हम एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे सेम लीफ, जैसे बर्ड्स लीव्स पे से कोई बर्ड निकल रही हो तो उसका काटा वो जर्मिनेटिंग पार्ट, और उसको हम ग्रो कर लेते हैं एक न्यू पॉट प्लांट में, उसको हम लीफ कटिंग बोल देते हैं। अब लेयरिंग, लेयरिंग एक्चुअली लेयरिंग होता क्या है? लेयरिंग होता है किसी भी प्लांट के स्टेम या ब्रांच को उसी के मदर प्लांट पे से काट के और उसी के मदर प्लांट के दूसरे पार्ट पे इस तरीके से लेयरिंग करना कि वो उसके नए मदर प्लांट पे से एक नया प्लांट बनने की नया मदर प्लांट से नई एक प्लांट की फॉर्मेशन करें। अब इसके अंदर दो होते हैं, माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग के अंदर क्या होता है? माउंड लेयरिंग के अंदर हम जब देखते हैं कि एक ये प्लांट है, इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो ज़मीन में हैं, उसकी रूट पे उसकी जो ब्रांच है वो इस तरीके से जाए कि वो सॉइल में जाए, उसकी ब्रांच जो है वो सॉइल में जाए, और सॉइल में जाने पे उसकी एक बर्ड पे हम क्या कर दें, नॉट लगा दें। हम क्या कर दें, नॉट लगा दें। उस नॉट वाली जगह को, उस नॉट वाली जगह पे से जब ये प्लांट यहाँ से होके ग्रो करना स्टार्ट कर देगा तो उसको हम इससे मदर प्लांट पे से सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके उसको एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर देंगे। तो माउंड लेयरिंग के अंदर क्या होता है, एक प्लांट होता है, उसकी जो स्टेम होती हैं या ब्रांचेस होती हैं वो इस तरीके से बढ़ें कि वो डाउनवर्ड जाके सॉइल में हम उसको उसकी बर्ड को सॉइल के अंदर ब्रीड करें और वहाँ पे उसको एक फेवरेबल कंडीशंस देके, उसको फेवरेबल उत्पादन देके उसको ग्रो करें। उसके ग्रोइंग पार्ट को फिर हम उसके मदर प्लांट पे से सेपरेट करके और उसको एक न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में डेवलप करते हैं। तो ये हो जाती है हमारी माउंड लेयरिंग। एयर लेयरिंग या फिर गुट्टी जो बोलते हैं, वो क्या होता है, उसी प्लांट के स्टेम को काट के या फिर ब्रांच को काट के उसको अच्छे से नॉट से बांधो, और बांध के उसके ऊपर एक मटके जैसा, यानी कि पानी का एक पाइप जो उस नॉट पे जाता रहे और उस
पानी के जाने की मदद से क्या होगा, जिस जगह पे आपने नॉट बांधी है उस जगह से बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा और एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। उस न्यू प्लांट के फॉर्म को हम उस मदर प्लांट से सेपरेट कर देंगे और सेपरेट करके एक न्यू जगह पे ग्रो कर देंगे, उसको हम गुटी भी बोलते हैं। तो ये दोनों टाइप आ जाते हैं हमारे लेयरिंग के अंदर। अब बात आती है ग्राफ्टिंग की। अब बात आती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? जब किसी भी प्लांट की स्टेम को या ब्रांच को एक इस तरीके के सेक्शन में काटा जाए कि ये किसी भी, जैसे कि प्लांट की ब्रांच है, ये ब्रांच है, उसको इस तरीके से काटा जाए कि उसके उसके दो पार्ट हो, एक को तो बोलें जो कि मदर प्लांट से अटैच है उसको तो बोलते हैं हम स्टॉक, उसको बोलते हैं स्टॉक, और जो मदर प्लांट से अटैच नहीं है और जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसको कि मदर प्लांट के स्टॉक पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम सायन। क्या बोलते हैं? सायन। अब बात आती है कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा और इंट्रोड्यूस कराने से ऐसे कैसे ग्रो हो सकता है। देखो, इसका सेक्शन इस तरीके से तिरछा काटा जाता है किसी प्लांट का कि वो उसके जो उसका जो वस्कुलर बंडल, जैसा हम जानते हैं कि किसी भी प्लांट के अंदर उसका ग्रोइंग पार्ट जो होता है वो उसका वस्कुलर बंडल होता है, जिसके अंदर जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पिथ होती है, कैम्बियम होता है, ये सब उसके वस्कुलर बंडल के पार्ट्स होते हैं। वस्कुलर बंडल के पार्ट्स के अंदर ये हम देखते हैं कि जो कैम्बियम पार्ट होता है ये न्यू सेल डिवाइडिंग पोर्शन होता है। तो ग्राफ्टिंग के दौरान सायन और स्टॉक का इंट्रोडक्शन इस तरीके से होता है कि दोनों के कैम्बियम इस तरीके से जुड़ते हैं कि उसके जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि सेल डिवीज़न जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके अंदर न्यू जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ये ग्राफ्टिंग प्रोसेस होती है। अब ग्राफ्टिंग के भी चार टाइप हैं, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग। जो टंग ग्राफ्टिंग होती है ये हम देखते हैं रोज़ फ्लावर वगैरह के अंदर हम टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। ये कैसे होती है? टंग ग्राफ्टिंग जो होती है वो वी शेप में होती है। वी शेप में जब स्टॉक की कटिंग करो उसके ऊपर वी ही शेप का साइन को इंट्रोड्यूस करना होता है, वो हमारी टंग ग्राफ्टिंग होती है। इसके अंदर साइन का जो साइज होता है वो स्टॉक के साइज से छोटा होता है। वेज ग्राफ्टिंग के अंदर भी वी शेप की ही कटिंग होती है, बट इसमें दोनों का ही जो साइज होता है वो बराबर होता है, उसमें स्टॉक और साइन दोनों ही बराबर साइज के होते हैं। बर्ड ग्राफ्टिंग जो होती है वो कोई भी जब कोई भी प्लांट है वो उसकी उस पे उसके ब्रांच पे या फिर उसके एजेस पे छोटे छोटे जब बर्ड्स निकल जाते हैं तो उसके बर्ड्स को हम क्या कर लें, कट करके और उसको एक न्यू पॉट में जर्मिनेट कर दें तो वो एक नए प्लांट के फॉर्म में बन जाता है, वो हो जाता है बर्ड ग्राफ्टिंग। और तीसरा होता है क्राउन ग्राफ्टिंग। जब किसी ब्रांच पे या स्टेम पे एक साथ कई सारी ब्रांच डेवलप कर जाती हैं और उनमें से छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं तो हम क्या करते हैं कि बर्ड्स वाले पार्ट को, उसकी ब्रांच को हम कट करते हैं और एक नए सॉइल के अंदर, उसको नए पॉट के अंदर उसको ग्रो कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्या बोल देते हैं? क्राउन ग्राफ्टिंग। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस थ्रू देयर मदर पेरेंट्स बाई रिपीटेडली।
जब रिप्रोडक्शन रिपीटेडली उसके मदर पेरेंट्स के थ्रू उसके यंग वंस का रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो प्लांट होते हैं जो कि सीड कोट, जिनके जिनके फ्रूट के अंदर, उनके सीड्स के अंदर सीड कोट प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जब रिप्रोडक्शन की बात आती है, कहीं भी रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो उसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर फ्यूजन नहीं होता है गैमिट का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर गैमिट का फ्यूजन होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल गैमिट डिफरेंट होते हैं, वहीं जब ह्यूमंस की बात आ जाती है तो उसमें मेल और फीमेल गैमिट्स अलग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको अलग दूसरी क्लास में अपने में बताऊंगी। बात आ रही है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी दो टाइप मैंने बताए थे, एगोस्पर्मी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होता है वो होता है जो नेचुरली होता है, जो कि प्रकृति के द्वारा अपने आप होता है, जिसके प्रकृति अपने आप जो नए प्लांट्स को जर्मिनेट करने में मदद करती है उसको नेचुरली बोलते हैं। आर्टिफिशियल जिसमें मैनमेड टेक्निक्स के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू जो हम न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं वो आर्टिफिशियल मेथड हो जाता है हमारा न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट या ग्रो कराने के लिए। नेचुरल वे में मैंने तीन टाइप बताए थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। लीव्स का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि ब्रायोफाइलम की लीव के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं अगर वो अपने आप गिर जाते हैं तो उससे भी एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। स्टेम में मैंने बताया था मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, राइजोम में जिंजर होता है, जिंजर में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उसके बर्ड से आईज से अगर हम देखें तो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही पोटैटो में, जिंजर में, गार्लिक में, ये सब जो हैं हमारे स्टेम मॉडिफाइड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही सेम रूट में होता है, रूट के भी पार्ट्स होते हैं, उसके रूट में जब छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो उसको सेपरेट करते हैं, उसको सेपरेट करके हम नहीं सेपरेट करते हैं, वो एक्चुअली खुद ही इस तरीके से उससे सेपरेट हो जाते हैं और न्यूली प्लांट के फॉर्म में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा नेचुरल वे ऑफ। इसके अंदर एक और होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ऑर्गन। ऑर्गन जैसे बुलबुल होता है, किसी भी स्वीट पोटैटो हुआ उसके पार्ट को, जो उसके बर्ड पार्ट होता है उससे वो न्यू प्लांट के फॉर्म में जर्मिनेट हो जाता है। तो ये तो नेचुरल की बात हुई। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल के अंदर हम जब देखेंगे तो आर्टिफिशियल में तीन मैंने आपको बताई, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग के अंदर दो होते हैं, कटिंग ऑफ स्टेम, कटिंग ऑफ लीव्स, कटिंग ऑफ रूट। तीसरा होता है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लांट के स्टेम या ब्रांच को जब हम उसको कट करते हैं और उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करें कि उसी के मदर प्लांट से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है और उसको फिर जब हम मदर प्लांट से अलग करते हैं तो एक न्यू प्लांट का ग्रो होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी बात ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मैंने तुम्हें बताया था, ग्राफ्टिंग जो एक मेथड होता है इसके अंदर प्लांट की ब्रांच या स्टेम को इस तरीके से कट किया जाता है कि उसकी सायन एक अलग पार्ट होता है, स्टॉक वो पार्ट होता है जो कि मदर प्लांट से अटैच होता है। सायन स्टॉक से जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो इस तरीके से इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि उसके अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, यानी कि वस्कुलर बंडल के अंदर, जैसा मैंने बताया था जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पिथ होती है, कैम्बियम होता है। कैम्बियम वो पार्ट होता है जिसके अंदर सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न की मदद से ही प्लांट जो है वो ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है। इसी तरीके से ग्राफ्टिंग में हम उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो एक न्यू प्लांट का जर्मिनेशन होता है। ये जो होता है ये एक हमारा ग्राफ्टिंग का मेथड होता है। ग्राफ्टिंग के अंदर तीन चार तरीके के मेथड आते हैं, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग और क्राउन ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग वी शेप की सायन और उसको इस तरीके से कट कर दें कि वी शेप का फॉर्मेशन कर देता है।
उसमें साइन का जो साइज होता है वो स्टॉक के साइज के कंपैरिजन में छोटा होता है, और उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद में हम उसको रोल अप कर देते हैं। वेज ग्राफ्टिंग के अंदर दोनों का ही साइज जो होता है साइन का और स्टॉक का सेम होता है, और इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि उससे एक न्यू प्लांट का जर्मिनेशन होता है। सेम ऐसे ही बर्ड ग्राफ्टिंग का, बर्ड ग्राफ्टिंग में जब किसी प्लांट के अंदर बहुत सारे बर्ड का जर्मिनेशन हो जाता है तो उस बर्ड को हम कट करते हैं और एक न्यू पॉट प्लांट के प्लांट में फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे ही क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर एक ब्रांच के ऊपर जब कई सारी ब्रांचेस डेवलप होती हैं और उन ब्रांचेस के ऊपर एक छोटे 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 बर्ड्स होते हैं, उन बर्ड्स को हम क्या करते हैं कट कर लेते हैं, कट करने के बाद में एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये सब सारी की सारी प्रोसेस हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आती हैं, और ये सभी की सभी टेक्निक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती हैं। अब बात दूसरे पार्ट की आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।